तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं तरक्की होती है। KGF का चैप्टर 3 भी आएगा, यहाँ जाने क्या हो सकती है कहानी। लंबे समय से दर्शकों को जिस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था वो अभी सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। KGF चैप्टर 2 को सिनेमा घरों में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। वहीं अब यश स्टारर KGF चैप्टर 2 के बाद KGF चैप्टर 3 आने के भी संकेत मिल रहे हैं। दरअसल पहला शो देखने के बाद ही फैंस ने वीडियो शेयर करने शुरू कर दिए, जिससे साफ पता चल रहा है कि मेकर्स अब KGF 3 पर काम कर रहे हैं। इसके बाद से ही ट्विटर पर KGF चैप्टर 3 ट्रेंड करने लगा है। कई ट्विटर यूजर ने KGF चैप्टर 2 के अंतिम सीन की वीडियो बनाकर उसे ट्विटर पर शेयर किया है और अपनी खुशी का इजहार किया है। इस सीन में अभिनेत्री रवीना टंडन दिखाई देती है जो एक फाइल खोलती नजर आ रही है जिस पर CIA लिखा है। जैसे ही इस फाइल को हटाया जाता है तो उसके नीचे एक और फाइल होती है जिस पर KGF चैप्टर 3 लिखा होता है। KGF का पहला भाग 2018 में रिलीज हुआ था जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। वही अब KGF 2 को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। KGF 3 को लेकर एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि आखिरी का क्रेडिट सीन बिल्कुल भी मिस मत करना। वही एक ने लिखा कि अब KGF 3 का इंतजार है। वही तीसरा यूजर लिखता है, शेर है शमशेर है सुल्तान है। KGF चैप्टर 2 की रिलीज के बाद से ही यह पता चल जाता है कि अब स्टोरी चैप्टर 3 तक जाएगी। एक यूजर ने लिखा कि रॉकी भाई के साथ डेट करने के लिए KGF 2 की दुनिया में प्रवेश किया। KGF चैप्टर 2 से KGF 3 तक का यह एक सुनहरा इतिहास होने वाला है। बता दें कि KGF चैप्टर 3 में अमेरिका इंडोनेशिया समेत 16 देशों में किए गए क्राइम की कहानी दिखाई जाएगी। अब KGF चैप्टर 2 देखने के बाद फैंस KGF 3 को लेकर काफी उत्सुक है। इस फिल्म में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी मुख्य किरदार में नजर आ रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान KGF के निर्माता विजय ने भी इस ओर इशारा किया था। उन्होंने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा था कि हमारी योजना कुछ और भाग तैयार करने की है, मुझे लगता है कि यह बड़ा और बेहतर होगा। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो KGF 3 के लिए? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी नेचर को सब्सक्राइब करें।